राइट, मोर देन 200 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू सॉल्व गाइस, 200 से ज्यादा एमसीक्यू अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजा नहीं है, तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना ताकि जल्द से जल्द बच्चों को पता चल जाए कि मोहित सर लाइव आ चुके हैं सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव मोर देन 200 एमसीक्यू सॉल्व करवाने के लिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। आई एम वेटिंग, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कम ऑन गाइस, यस, गुड टू गो, गुड टू गो, बिल्कुल शेख, बिल्कुल, क्या नाम है शेख, या घोसू भाषा शेख, क्या क्या नाम रखते हो यार तुम लोग, क्या क्या नाम रखते हो। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ यार, फटाफट आ जाओ, पावर पैक सेशन रहने वाला है। पता कितना एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं? अप्रोक्सीमेटली 230 एमसीक्यू, 230 एमसीक्यू सॉल्व होने वाला है इन जस्ट वन आवर, एक घंटा के अंदर हम लोग 200 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और क्या चाहिए, मतलब एकदम पावर पैक सेशन रहने वाला है, आग उगलने वाले हैं, एकदम निंजा स्पीड फॉलो करने वाले हैं, निंजा स्पीड। तो गेट रेडी, सीट बेल्ट बांध लो एंड गेट रेडी। All good? Let's get going. Let us get going. ये PDF मैं आपके साथ CMA Inter के Telegram ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये PDF जो है मैं आपके साथ CMA Inter का जो एक्सक्लूसिव Telegram ग्रुप है मैं उसमें ये PDF शेयर कर दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। बिट MCQs हैं, पूरे के पूरे बिट MCQs हैं जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया है, और अप्रोक्सीमेटली 230-235 MCQs हैं जो अपने सॉल्व करने वाले हैं। ओके अंश बेटा, कल विश कर देना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक घंटा के अंदर 200 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? यस सर, हम रेडी हैं। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। द टर्म सब एजेंट, सब एजेंट इज द बिजनेस ऑफ एजेंसी डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय, पर्सन एम्प्लॉयड बाय होम, सब एजेंट कौन इंप्लॉय करता है? एजेंट है ना, एन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। तो जो एजेंट का एजेंट रहता है उसी को सब एजेंट बोलते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। नॉर्मली सब एजेंट का अपॉइंटमेंट अनलॉफुल है। फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। जो पहला एंडोर्समेंट होता है, बताओ यार पहला एंडोर्समेंट कौन करता है, फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करता है, बताओ भाई फटाफट बताओ। पेई, यस, मान लो चेक पेई को मिला वही तो एंडोर्स करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पेई को मिला वही तो एंडोर्स करेगा, बिल्कुल सही, पेई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वॉलंटरी डिसोल्यूशन में इनमें से कौन सा नहीं है? डिसोल्यूशन में एग्रीमेंट वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी भी, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग पार्टनर अनसाउंड माइंड, ये तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, व्हेन द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड वी हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाइट वॉश और कलर वॉश, फैक्ट्री में हम लोग सीखे, फैक्ट्रीज एक्ट में सीखे, व्हाइट वॉश कलर वॉश आपको हर कितना महीना में करवाना पड़ता है, वंस इन अ पीरियड ऑफ 14 मंथ्स, ठीक है। ये इस प्रकार का एमसीक्यू जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट को कि ना दे, 14 मंथ्स हो। अब ये क्लेरिकल एमसीक्यू है, कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यू दे जिसमें बच्चों को भी करके मजा आए, ठीक है। ये क्या क्लेरिकल एमसीक्यू है, ठीक है, बट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, 14, ओके, क्लियर, यस सर, ऑसम सर, मक्खन है, बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं। अब 50 एमसीक्यू के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, 50 एमसीक्यूज के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट आ जाओ बेटा, गुड टू गो। द टर्म फैमिली डिफाइंड इन ईएसआई, फैमिली के अंदर डज नॉट इंक्लूड, स्पाउस तो हर फैमिली में आता है, माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड, बच्चा है तो आएगा ही, डॉटर है तो आएगी, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर वो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आती, ये तो कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे कि बच्चा बेटा बेटी और स्पाउस तो आएगा ही, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। Which one of the following amounts to safety measure? Safety इसमें से कौन सा है? इसमें से safety कौन सा है? Artificial humidification, ventilation, अरे यार ये सब जो है ये safety नहीं है, ठीक है, ये तो health वाला है,
फर्स्ट एड वेलफेयर है, ये दो तो हेल्थ है और ये वाला वेलफेयर है, तो फेंसिंग और मशीनरी सेफ्टी है। यस, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, फटाफट बता दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा कंपनी लॉ का, फटाफट मेरे को बता दो कि भाई शेयर सर्टिफिकेट जो है कॉमन सील अगर नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कितना डायरेक्टर साइन करेंगे, दो डायरेक्टर साइन करेंगे। ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंट एज एन अटैचमेंट, बताओ नोटिस पीडीएफ फाइल में जाता है, यस पीडीएफ फाइल में जाता है। डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, सेक्शन नंबर 151 में हमने सीखा है, सेक्शन 151 में डायरेक्टर चैप्टर में, कि डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन नोटिस बाय एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर भी सही है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स भी सही है, ठीक है ना, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, तो ये वाला ऑप्शन सही है, एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर या फिर एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर व्हिच एवर इज लोअर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेटाएथिक्स भाई, एथिक्स के क्लास में मेटाएथिक्स में बताया गया था, मेटाएथिक्स डील्स विद मॉरल जजमेंट, कॉपी खोल करके देखो दिखाई देगा, मेटाएथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल भी हो सकता है, एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, इधर ए और बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इसमें से एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल कौन सा फीचर नहीं है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक गुड्स का भी हो सकता है बिल्कुल, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस इन ब्रीच बाय बायर, बताओ 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 बताओ, बिल्कुल सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर, ये भी सही है, जी हाँ जनाब ये भी सही है, इट गिव्स द राइट टू बायर, हाँ बायर के पास भी राइट है, सेलर बायर दोनों एक दूसरे को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। एक बार ऑप्शन नंबर बी देखो, सेल्स टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड, एग्रीमेंट सेल तो फ्यूचर गुड्स का होता है ना बेटा, फ्यूचर गुड्स का, तो ये बात इन्होंने गलत कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, इट कैनॉट बी ड्रॉन, अरे डिमांड ड्राफ्ट रे बाबा, इट कैनॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, इट कैनॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, सही है ये तो, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ बैंक दूसरा ब्रांच को ड्रॉ करता है, कैनॉट बी काउंटरमैंडेड इजीली, ये भी सही है, इट इज ओपन टू द पर्सन टू स्टॉप पेमेंट, ये दोनों सही है, स्टॉप पेमेंट बैंक ड्राफ्ट का नहीं होता। हु मे नेगोशिएट, फटाफट बताओ भाई हु मे नेगोशिएट, इसमें से नेगोशिएट कौन कौन कर सकता है, ड्रॉयर बिल्कुल नेगोशिएट कर सकता है, पे बिल्कुल, जॉइंट मेकर बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव यानी ए टू सी। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी क्या, बताओ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस शैल, प्रोस्पेक्टस में पढ़े ना आपने, रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट, आरडी शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेशियो ऑफिस, बताओ रीजनल डायरेक्टर जो है ना कितना दिन के अंदर हम लोग को कंफर्म कर देता है कि तुम्हारा रेशियो ऑफिस शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, कितना दिन के अंदर, फटाफट मेरे को बताओ फटाफट, 30 days इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट कितना जन को हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, 200 जन को, प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना जन को कर सकते हैं बेटा, 200 जन को मैक्सिमम, 200, ऑप्शन नंबर सी। इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर डिड नॉट कंसेंट, 10%, ठीक है ना, वेरिएशन के खिलाफ आप लोग अपील कर सकते हैं एनसीएलडी में, अगर आपके पास 10% ऑफ द इशूड शेयर्स है, 10% ऑफ द इशूड शेयर, यू कैन अपील अगेंस्ट द वेरिएशन, किसको पास, एनसीएलडी के पास, सेक्शन नंबर 48 में सीखा आपने। कंपनी शैल नॉट इशू स्वॉट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन डैश ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर, बताओ कंपनी मैक्सिमम कितना स्वॉट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, ये ऑलरेडी हम लोग स्वॉट इक्विटी शेयर का सेक्शन नंबर 54 रेड विद द रूल्स में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम कितना परसेंट इशू कर सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ ईयर 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। Which one of the following is not the discharge by operation of law? Operation of law, अरे contract act में पढ़े हो, merger, insolvency, unauthorized alteration, बिल्कुल ये सब discharge होता है contract by operation of law. Breach of contract is not a discharge by operation of law. वो तो discharge by breach में आ जाता है. Which of the following is not a feature of the contract of guarantee? Contract of guarantee में बेटा दो पार्टी रहता है. बताओ 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 contract of guarantee में क्या दो पार्टी रहता है? कम से कम दो पार्टी रहता है. Yes. Liability of surety secondary. Yes. Principal debtor का liability primary है, surety का liability secondary. There is an existing debt for which surety gives guarantee to the creditor on behalf of the principal debtor. क्या एक existing debt रहता है जिसके लिए surety guarantee देता है? फटाफट बताओ जरा, फटाफट बताओ. The surety gives contract at the request of principal debtor. PD request किया तभी तो हम दे रहे हैं. Existing debt for which surety gives guarantee to the creditor, existing debtor जिसके लिए surety guarantee देता है creditor on behalf of principal debtor, मेरे को consideration में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं guarantee दूंगा तब जा करके वो debt देगा, पहले से debt दे रखा है तो नहीं, ये contract का guarantee का feature नहीं। Section 2, clause number 7 of the SOGA, term goods does not include, बताओ goods does not include stocks and share, but include growing crops, grass, है ना?
द स्टॉक सेंसरशिप, नो फीमेल चाइल्ड, हजार बार ये फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा रखे हैं, हाँ, तो हम बोल रहे थे एमटीपी के बारे में। भाई एमटीपी हो रखा है, ठीक है, मिशन हो रखा है, मैराथन हो रखा है, अगर तुम्हें नहीं पता है प्लेलिस्ट रेफर करो, सारे सब्जेक्ट का एमटीपी हो रखा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे बच्चे आगे चले गए, 24 में चले गए, क्या बात है, क्या बात। चलो पहले इसको देखते हैं, नो फीमेल चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन, बताओ फीमेल चाइल्ड को हम लोग फैक्ट्री में अलाउ नहीं करने देते, वर्क करना अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ वो सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक काम कर सकते हैं, 8 AM to 7 PM, उसके अलावा नहीं। सो एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM to 7। बोनस शेयर कहां से दे सकते हैं, फ्रीज अवे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, एनी ऑफ द अबव से दे सकते हैं। प्रॉक्सी आप कितना घंटा पहले आप जमा करते हैं, बताओ प्रॉक्सी फॉर्म कितना घंटा पहले जमा करते हैं, 48 आवर्स पहले जमा करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। At every AGM, not less than dash number of total directors shall retire. कितना director retire होगा? बताओ, 2/3 rotational लेता और उसका 1/3 retire हो जाता, तो 1/3 minimum director. Public company में minimum director कितना रहता है? Private company में minimum 2 रहता है, public company में minimum 3 director रहता है. This is not one of the 7 principles of public life. याद है ना, holies आओ अपने 7 principles of public life में क्या बात किए थे? Holies आओ, acronym है रे बाबा, acronym. Honesty, objectivity, leadership, integrity. याद आया ना? Yes sir, याद आ गया sir. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो इसमें से कंटेंट बोल करके कुछ भी नहीं, सेल्फलेसनेस, क्या क्या बताओ, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंटेंट बोल करके कुछ भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविटेशन फॉर ऑफर, इसमें से कौन सा इनविटेशन फॉर ऑफर है, बताओ भाई फटाफट बताओ, इसमें से कौन सा इनविटेशन फॉर ऑफर है? आप जो कैटलॉग दिखा रहे हैं, कैटलॉग प्राइस लिस्ट फॉर द गुड ऑफ सेल, वो इनविटेशन ऑफर है। सेलर डिलीवर्स to the buyer quantity of good less than the contractor to sell, to buyer usko reject kar sakta hai, ji haan buyer usko bilkul reject kar sakta hai, jitna maine order kiya tumne usse less quantity supply kiya to buyer mein reject hai. Person who has ultimate control, usko hum log occupier bolte hain, jiske paas ultimate control over the affairs of the factory, he is known as occupier, usi ko hum log occupier bolte hain dosto. Bearer instrument is negotiated by delivery only, bearer instrument khali delivery se hi negotiate ho jata hai, theek hai, bearer instrument बेटा जो खाली डिलीवरी से ही negotiate हो जाता है। X, Y, Z are the partners, ठीक है, तीन partner है, X without the authority of Y and Z by certain shares in the names out of the partnership money, these shares will constitute किसका property, partnership का property है रे बाबा, ये partnership का property है। Business ethics call for avoidance of, यार थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, business ethics में call for avoidance of monopoly, business ethics जो है ना हमेशा monopoly को avoid करना चाहता है। बिजनेस एथिक्स का क्या एप्लीकेशन है बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, बिजनेस एथिक्स इज अप्लाइड एथिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, ज्यादा सही प्रैक्टिकल है, तुम यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट का मैट में यूनिवर्सल लिखा हुआ है, अपने कॉपी में भी अपने यूनिवर्सल ही मार्किया, तो यूनिवर्सल ही बोलो। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ भाई कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, 37 का सी। प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स स्टैंडर्ड ऑफ डैश टू विच ऑल गुड्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर्ड टू, बताओ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स स्टैंडर्ड ऑफ क्या, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फटाफट बता दो, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। प्रोविजन रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप, बताया हुआ तुमको सेक्शन 464 में ये बात लिखा हुआ है, मैक्सिमम पार्टनर्स कितना होगा, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 464 में। एक्स एंड वाई अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट इन इक्वल शेयर बट द लॉसेस इज टू बी बॉर्न बाय एक्स ओनली, हां ये चलेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट लॉफुल है, प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लॉस जो है बांटना जरूरी नहीं है, ठीक है। बताओ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह तुम ऐसा रखो कि सारा वर्कर्स जो है उसको एक्सेस कर सके, कम से कम कितना वर्कर्स लोग उसको एक्सेस कर सके, अपने वेलफेयर में सीखें, वेलफेयर में 150, फर्स्ट एड वाला अपने वेलफेयर में सीखें 150, क्लियर है ना बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अच्छा वेज पीरियड मैक्सिमम कितना महीना करेगा, क्वेश्चन में 42 बोल रहा है कि वेज पीरियड ऑफ 36 डेज, ऐसे तो तुम बोलोगे हम वेजेस 36 डेज में क्या, हम एक साल में देंगे एक बार वेजेस, नहीं
नो वेज पीरियड शुड एक्सीड वन मंथ, आपको ये बताया हुआ है, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड वन मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरियस एक्ट में पढ़ाया हुआ, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड वन मंथ। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे में पड़ रहा है तो प्रीसीडिंग डे ले लेंगे अपने, प्रीसीडिंग डे, ठीक है। जो 15 साल का भी नहीं हुआ, बोनस एक्ट का क्वेश्चन है, जो 15 साल का भी नहीं हुआ उसका मिनिमम बोनस कितना रहेगा, 8.50% ऑफ सैलरी और 60, 100 के लिए का 60, व्हिच एवर इज हायर, तो ये रहा 60 और 8.50% सैलरी, व्हिच एवर। एवरी एलएलपी फर्म शैल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑलरेडी बात हो रखा है। के ओन्स अ रेजिडेंशियल फ्लैट इन चेन्नई, ही इज एंटाइटल्ड टू क्वाइट पोजीशन एंड एंजॉयमेंट, ठीक है ना। तो भाई ये उसका पर्सनल राइट है, ठीक है ना, ये उसका क्या बताओ, पर्सनल राइट, ये उसका राइट है, और कोई उसे ये राइट छीन नहीं सकता, इसको राइट्स इन रैम बोलते हैं, जस्ट इन रैम भी बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सीखे। एक्स सेल्स अ गुडविल फॉर 5 लाख एंड प्रॉमिसेस नॉट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस फॉर एवर एनीवेयर इन इंडिया, कभी भी हम लोग ये धंधा नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट रेसेंट हो गया। हम गुडविल बेचें तो बोल सकते हैं कि 5 साल 10 साल धंधा नहीं करेंगे, कभी भी कहीं पर भी इंडिया में धंधा नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट एब्सोल्यूट रेसेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं अवॉइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है बताओ, 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब बायर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। नेमो डेट कॉर्ड नॉन अवेट, नेमो डेट कॉर्ड नॉन अवेट मतलब क्या होता है बताओ, नोबडी कैन ट्रांसफर द टाइटल, नन कैन गिव हु हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस, क्लियर है ना। देखते ही देखते बेटा 50 क्वेश्चन तुमने ठोक डाला है, कैसा फीलिंग लग रहा है बताओ यार, बताओ फटाफट बताओ। और जो बच्चों ने अभी तक बिना लाइक बटन दबाए यहां तक पहुंच गया है, इतना सेल्फिशनेस अच्छा नहीं है, है ना। हो सकता है तुम लाइक बटन दबाना भूल चुके हो, लाइक बटन दबा दो, कुछ नहीं, इससे मेरा भला नहीं होगा, तुम्हारा ही भला होगा, पॉजिटिविटी आता है और कुछ नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए मैं बोलता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ना है बेटा, तुम लाइक करो नहीं करो, मैं सब मोहमाया से ऊपर हूं। बड़े 50 क्वेश्चन हो चुका बेटा, आगे बढ़े, अब ब्रेक लेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बाद, सेंचुरी मारने के बाद। Section 2, Clause N, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मींस द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री ने 250 वर्कर को रखा है, ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कर्स अबव 60 इयर्स ऑफ एज एंड बिलो 15 इयर्स ऑफ एज वेंट ऑन स्ट्राइक। ओ, सारे के सारे वर्कर्स क्या है ना, स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो 15 साल के नीचे होते हैं ना उनका आप वेजेस काट नहीं सकते, कैनॉट डिडक्ट फाइन फ्रॉम वर्कर्स हु आर अंडर द एज ऑफ 15। याद करना है ये भाई, याद कर लेना बेटा, ये सब कुछ ये पुराना सिलेबस का ही, ये हट चुका है अब, ठीक है। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है वो कितना दिया जाता है, ये हट चुका है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी इंस्टीट्यूट दे रखा है तो इसको इग्नोर करो। वर्कर्स विल बी एंटाइटल टू ओवरटाइम वेजेस, बताओ ओवरटाइम वेजेस कब मिलता है, जब वो 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है इन अ वीक, मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यूज द रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, हर 5 साल में ये पढ़ रखे अपने वेजेस एक्ट में, हर 5 साल में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिव्यू करता है। आंचल परचेज अ मोटर कार फ्रॉम कमल, आंचल ने मोटर कार किसे खरीदा, कमल से, हुए नो टाइटल टू इट, आंचल यूज अ मोटर कार फॉर सेवरल मंथ, ट्रू ओनर स्पॉटेड द मोटर कार एंड डिमांडेड इट फ्रॉम आंचल, तो उसको देना ही पड़ेगा मोटर कार, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, आंचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द मोटर कार टू ट्रू। अच्छा इसमें वेजरिंग अग्रीमेंट जो है कौन सा है, वेजरिंग अग्रीमेंट बता दो भाई कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं, क्रॉसवर्ड कंपटीशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्किल नॉलेज इसमें लग रहा है। ए प्रोमिसेस टू बी, अगर बारिश होगा मंडे को तो ये वेजिंग है ना, बारिश होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर तुम सट्टा लगाया। सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी ऑफ गुड, अगर डिलीवरी बाय अटोनमेंट हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी बाय अटोनमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी बोलते हैं। वेयर हाउस का एग्जांपल मैंने दिया था, डिलीवरी बाय अटोनमेंट मतलब मेरा जो वेयर हाउस कीपर था, आज से मैं बोला कि वेयर हाउस कीपर अब से ना ये जो बायर है ना तुम इसका वेयर हाउस कीपर बन जाओ, तो ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी हु फेल्स टू फिक्स द वैल्यूएशन, सुनो, वैल्यूअर को गुड्स का प्राइस फिक्स करना था, ठीक है, वैल्यूअर को गुड्स का जो है
बेटा वो प्राइस फिक्स करना था, समझे ना, वैल्यूअर प्राइस फिक्स नहीं किया तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, बायर शैल बी लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई जान नहीं था मेरी जान। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1940 वेयर द वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय टू और मोर सेट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, थोड़ा सा बुद्धि लगा भाई, शिफ्ट बोलते हैं ना इसको, सेम वर्क दो सेट ऑफ वर्कर कर रहा है, एक सुबह कर रहे एक शाम को कर रहे, तो इसको शिफ्ट बोलते हैं अपने, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, शिफ्ट, ठीक है ना। यस सर। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी मोर देन 75% ऑफ वेजेस, याद करने का है, रट्टा मारने का है। अंडर ईएसआई इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट, बताओ बताओ ईएसआई एक्ट में सिकनेस बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन शॉर्ट वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, सीख हम अपने ये ऑलरेडी सीख रखे हैं कहां पर, ईएसआई। ये वाला बताओ, अंकित परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम अनुज इन लियो ऑफ कैश पेमेंट, अंकित एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 का टू बी पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो यार ये तो जेन्युइन बिल है ना, जेन्युइन बिल है ना, 20,000 का माल खरीदा इसलिए बिल एक्सेप्ट किया, तो ये तो भाई एकदम जेन्युइन बिल है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अंडर एनआई एक्ट 1881 whether acceptance of BO in the following situation shall be treated as qualified acceptance, where the acceptor under X rupees only 10,000, हाँ qualified acceptance है ये, बोल रहे हैं हम खाली 10,000 देंगे for a bill drawn for 15,000, तो condition लगा दिया ना, partnership form is continued even after the expiry of the fixed term, fixed term के बाद भी partnership form continue हो रहा है, तो ये partnership at will माना जाता है, part person who is not a partner of the firm but he may be liable for firm's debt, partner नहीं है फिर भी firm का debt के लिए liable रहेगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, nominal partner बोलते हैं, we call him nominal partner, नाम का partner, nominal partner. Under the क्या बोला देखो, under the company's registration, ये तुम्हारे syllabus का part ही नहीं है बेटा, फिर भी institute ने जबरदस्ती दे दिया तो इसको ignore करना। Business ethics क्या बोल रहा भाई, business ethics के बारे में question है कि businessmen would not cheat them, which of the following is appropriate for it, business ethics are needed to create a faith about quality, quantity, price, etc. of the products. बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल. The customers have more trust and faith in businessmen who follow ethical rules. बिल्कुल. तो इसमें से कौन सा appropriate है? Safeguarding customers' right, improve customers' confidence, कि survival of business, consumer movement. फटाफट बताओ. आप यहाँ पर देखो क्या बोला? Consumer के consumer आपके ऊपर trust कर रहा है. Trust कर रहा है मतलब trust मतलब confidence है. तो B. बड़ा simple था. Principles of public life. Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligation. ठीक है ना? Influence नहीं होना चाहिए. जो public office के holder हैं, उन लोग अपने आप को influence ना होने दे. हिंदी में बोले तो घूस नहीं खाएं. मतलब अपना क्या maintain करे बताओ? Integrity maintain करे. घूस नहीं खाना मतलब integrity maintain कर भाई. ठीक है? There are many types of ethical conflicts. जहाँ काम करोगे यार, workplace, workplace में बहुत सारे ethical conflict होते हैं, ethical dilemma बोलते हैं. Which of the following is said to be unethical behavior? Adulteration, मिलावट, unethical है. Goods में मिलावट. A contract creates just in personam. Contract, privity of contract है. It's a private affair between two of us. So just in personam. Provision of EPF and miscellaneous or Employee Provident Fund Act 1952 applicable to cinema theater employing. बताओ भाई, बताओ. 20 or more persons, ठीक है, 20. PF Act कब applicable होता है? जब 20 या 20 से ज़्यादा लोग हो. In absence of partnership agreement, partner has. जब partnership agreement नहीं रहता है, तो भाई partner has. बताओ उसको interest on loans मिलेगा ना? Right to avail interest on advances. Yes, right to avail interest on advances. Person who is employed by the seller to raise the price by fictitious bids. Oh, fictitious bids करने के लिए रखा है. तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? Puffer, bidder. Decoy ducks, all of the above बोलते हैं. Puffer और beater और decoy ducks, ठीक है, French नाम है, all of the above. अच्छा question था. In case of banker's refusal to honor the check in spite of sufficient fund, customer's account, the banker is liable कि not liable? अरे भाई, bank जो है ना, sufficient fund था, फिर भी dishonor कर दिया, तो banker is liable to compensate to the drawer. बिल्कुल liable. Dependent का जो benefits मिलता है, ये हम लोग ESI में सीख रखे हैं भाई, dependent का benefit बता दो भाई, कितना percent देता है? 90% देता है, 90%. Listed company, BOD of every listed company shall constitute an audit committee. अच्छा, audit committee में minimum कितने director बैठते हैं? 3 director. Section 177 में पढ़ रखा है. ठीक है. Minimum bonus, बताओ भाई minimum bonus कितना रहता है? Fixed by way of percentage of salary earned by employee during the accounting year, the percentage is. बताओ. अच्छा, maximum पूछा है.
मैक्सिमम बोनस का रेट क्या है? 20% है. बिजनेस एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ, बताओ भाई, बिजनेस एथिक्स को हम लोग अप्लाइड एथिक्स भी बोलते हैं. अप्लाई कर रहे हैं ना तो अप्लाइड एथिक्स. एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी. वॉइडेबल 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 बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इरिवोकेबल, इसमें से कौन सा एजेंसी इरिवोकेबल है बताओ? एजेंसी फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन की एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट? एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट, एजेंट का अगर इंटरेस्ट भी है तो वो इरिवोकेबल हो जाता है. सॉर्ट ऑफ टैसिट अंडरस्टैंडिंग अमंग द इंटेंडेड बिडर, ताकि बिडिंग नहीं करे उन लोग, तो ये तो गलत है भाई, गलत है. तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकआउट एग्रीमेंट बोलते हैं. नॉकआउट इंपॉर्टेंट नहीं होता. वेर एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्क्रो, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्लियर? विच कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द ऑक्यूपायर टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी? सेफ्टी मेंटेन करने के लिए कौन सा कमिटी बनाओगे? सेफ्टी कमिटी. कोई क्वेश्चन है, इसको देख करके डर जाओगे, हाथ पांव ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत है. क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है. सेफ्टी मेंटेन करने के लिए कौन सा कमिटी बनाएंगे? सेफ्टी कमिटी. डिस्प्यूटेड केस का ड्यू डेट बताओ बोनस पे करने का. वन मंथ फ्रॉम अवार्ड, विद इन वन मंथ फ्रॉम अवार्ड. बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनी, देयर मेन फंक्शन इज टू मैनेज द कंपनी आफ्टर इट्स प्रमोशन. बिल्कुल. तो इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? प्रोफेशनल प्रमोटर्स बोलते हैं. जिन लोग नए कंपनीज को बना रहे हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? दे टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनीज, देयर मेन फंक्शन इज टू मैनेज द कंपनी आफ्टर द प्रमोशन. दे आर नोन एज, बताओ क्या? प्रमोटर्स, खाली प्रमोटर्स, जनरल प्रमोटर्स. Study of ethics can be divided into four operational area: meta ethics, normative ethics, descriptive ethics, and applied ethics. Applied ethics. In social agreement, usual presumption is social agreement mein there is no intention to create legal relationship. There is no intention to create legal relationship. The parties do not intend to make. The parties do not intend to create legal relationship between them. Doctrine of caveat emptor will not apply when there is a usage of trade. Batao, bilkul. Doctrine of caveat emptor will not apply when there is a usage of trade. बिल्कुल. कि कंसेंट बाय फ्रॉड, कि बायर्स एरर ऑफ जजमेंट, कि मर्चेंटेबल. कैविट एम्प्टर क्या बोलता है? लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर, है ना? लेट द बायर बीवेयर. बट उसका एक्सेप्शन है. इसमें से कंडीशन कौन सा बताओ? मर्चेंटेबल क्वालिटी. इंप्लाइड कंडीशन ही तो एक्सेप्शन है कैविट एम्प्टर का. तोगा में पढ़ रखे हो. बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज डोंट एक्सेप्टेड इन डॉस विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन. अकोमोडेशन बिल बोलते हैं बेटा. बस ब्रेक लेंगे 10 ठोर, 8 ठोर रहता. Come on, come on, come on, come on. Under industrial dispute act, syllabus से हट चुका है, पुराना question है. ESI 1948 is applicable to, बड़ा simple सा question है यार, फटाफट बता दो. ESI जो है किस किस act के ऊपर applicable है बता दो. Factories including factories belonging to government and seasonal factories, ना excluding seasonal factories. Option number D. Excluding season. ESI is not applicable on seasonal factories. So option number D is correct. Okay. Partner must give a public notice of retirement. Partner ko public notice dena padta apne retirement ka in order to absolve himself from the liability. So jab partner public notice de raha of retirement in order to absolve himself from the liability for the acts of the other partners done after his retirement, partner must give a public notice. Hai na, partner ko public notice dena padta hai. कौन सा पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर ढूंढ लो. ऑस्टेंसिबल पार्टनर का ही दूसरा नाम एक्टिव पार्टनर रहता है. क्या घुमाया क्वेश्चन, जबरदस्त. प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट, अरे जिसमें कंप्लीट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बताया गया है, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसको बोलते हैं. क्रूशियल स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स इज लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज. बिजनेस एथिक्स मतलब लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज. क्या कारण है लोग अनएथिकल हो जाते हैं? लोग अनएथिकल हो जाते हैं बेटा, इसका कारण क्या बताओ? लोग अनएथिकल हो जाते हैं कारण क्या? करप्शन. बड़ा सिंपल था यार ये तो, करप्शन. पार्टी हु डज नॉट सफर एनी लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू शगुन का नॉमिनल डैमेज. जिसको कोई नुकसान हुआ उसको नॉमिनल डैमेज मिलेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो होल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो होल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बेटा. इसमें से कौन सा केस क्वांटम रेट का है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्लेम ऑफ क्वांटम रेट अराइजेस. कब क्वांटम मेरिट अराइज होता है? एज मच एज अर्न मिलता है. व्हेन देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वैलिड, नहीं. व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेचुएशियसली, कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. फटाफट मेरे को बता दो क्वांटम मेरिट कब अराइज होता है?
as much as when the contract is divisible. When the contract is divisible, okay? Correct, sir. Maza aa gaya, sir. हाँ जी, यामिनी सिंह बोल रही है सर मुझे स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना है लेकिन कोई कॉल नहीं पिकअप कर रहा है. बेटा ऑफिस आवर जो रहता है ना बेटा वो 10 AM to 6 PM रहता है और कोई कॉल क्यों पिकअप करे. आप आराम से जो है वेबसाइट पर जाओ और स्किल एनहांसमेंट कोर्स अपने www.mepl classes.com पर जाकर के बुक कर लो. कॉल पर ऐसा कुछ खास तो बताया नहीं जाएगा, सब कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और 24 घंटा के अंदर प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है. निकिता बोल रही है सर आपके एनिमेटेड कंपनी लॉ के वीडियोस बहुत यूजफुल है सर, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई वॉच देम. थैंक यू सो मच डियर, लव यू गाइस. सॉर्ट हो गया भाई, सॉर्ट हो गया. 100 क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड. कैसा लग रहा है बताओ फटाफट. 100 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कैसा लग रहा है? 100 में से 90 एमसीक्यू तुमको आराम से आता था, 10 तो थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा बट 90% एमसीक्यू यू ऑलरेडी न्यू है ना. ये तो कमाल है भाई. जिन्होंने रेगुलर बैच पढ़ा है ना CMA इंटर का, मेरा लॉ का रेगुलर बैच में पता है अप्रोक्सीमेटली 125 क्लास है. तुम समझ रहे हो क्या कंटेंट, किस लेवल का कंटेंट दिया जाता है. रेगुलर बैच वाले बच्चों कमेंट कर दो, CMA इंटर में रेगुलर बैच वाले बच्चों कमेंट कर दो. चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा देना, नहीं तो पाप कर रहे हो. हाँ रेगुलर में मजा ही आ गया सर, रेगुलर के बाद ही अलग है सर. थैंक यू सो मच सर. फुल्ली लोडेड नॉलेज है सर रेगुलर बैच में. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर. चलो पीयूष बोले सर PDF मिलेगा क्या सर, मेरा कमेंट देख लो. बेटा लेट क्यों आते हो यार, पहला 5-10 मिनट में ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है. जैसे सेशन और होगा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ CMA इंटर का, उसमें शेयर कर दूंगा. अमित टेल्स भरत इन द प्रेजेंस ऑफ चेतन दैट अमित इज एजेंट. अच्छा अमित भरत के सामने बोल रहा है कि अमित जो है ना. अच्छा अमित भरत को बोल रहा है चेतन के सामने. मैं अमित हूँ, मैं भरत को बोल रहा हूँ कि मैं चेतन का एजेंट हूँ. चेतन के सामने मैं उसको अपना, मैं अपने आप को एजेंट बता रहा हूँ. तो भाई सेल बाय स्टॉपल हो गया ना, सेल बाय स्टॉपल बड़ा सिंपल है यार. ठीक है, एन एक्ट टू डिसुएड द इंटेंडिंग बायर फ्रॉम बिडिंग और फ्रॉम रेजिंग द प्राइस बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स. डीमोटिवेट करें बायर को, मत खरीद मत खरीद. इसको डैम्पिंग बोलते हैं, डैम्पिंग, कि बिड जो है नीचे आ जाए. If a minor draws, endorses, delivers, minor अगर पार्टी है तो वो इंस्ट्रूमेंट सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा एक्सेप्ट माइनर. माइनर इज नॉट लायबल टू पे, ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द माइनर. बड़ा सिंपल था यार ये. पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन जो है मेजोरिटी लेंगे, बिल्कुल डिसीजन मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स लेंगे अगर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है तो. पावर टू एग्जेम्प्ट एनी LLP किसके पास है? LLP को एग्जेम्प्ट कौन कर सकता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना, क्लियर. जो भी इंस्पेक्टर आता है फैक्ट्रीज एक्ट में वो पब्लिक सर्वेंट है, कोई बोलने का बात है क्या? फाइन आप नहीं लगा सकते, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, आप फाइन नहीं लगा सकते टू पर्संस हु आर बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स. ठीक है, इंप्लॉय अगर ESI में है तो एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 25 में भेजना पड़ता है कि फॉर्म नंबर 16 में. बताओ
फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16 में भेजना पड़ता है, रट्टा मारने वाला है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बेटा ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका, एप्लीकेशन फॉर डिन इज टू बी मेड। बताओ डिन के लिए तुम अप्लाई करते हो, फॉर्म नंबर कौन सा जमा करते हो? डिन के लिए जब अप्लाई करते हो तो फॉर्म नंबर फटाफट बता दो, डिन के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म नंबर कौन सा जमा करते हो? DIR 1। एक्चुअल में तो ना ना दबा होना चाहिए, डिन वन कुछ होता नहीं। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन ही हम लोग गलत घोषित करते रहे। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन, बताओ बिजनेस एथिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? बड़ा सिंपल है यार, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है ना। यस सर, थोड़ा फास्ट करते हैं। Out of the 7 principles of public life, the principle of objectivity means, objectivity का मतलब क्या होता है बताओ? Principle of objectivity का मतलब क्या होता है? कि merit के हिसाब से हम लोग को decision लेना चाहिए। Holders of public office should take decisions only in the terms of public interest? नहीं, merit के हिसाब से। In carrying out public business, public appointment करते समय holders of public office should make choices on merit? Yes, principle of objective बोलता है merit के हिसाब से decision लो। Who is responsible for ethical behavior? Ethical behavior के लिए कौन जिम्मेदार है? लेक्चरर्स एंड सुपरवाइजर की, साइकोलॉजिस्ट की, पार्टिसिपेंट की, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, ये ऑप्शन ही सारे गलत है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन नंबर बी बोल रखा है, साइकोलॉजिस्ट, गजब ही हाल है। थ्री सीज ऑफ बिजनेस एथिक्स आर, बता दो भाई, थ्री सीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, कंप्लायंस, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंस। कैश विदड्रॉन बाई कस्टमर फ्रॉम बैंक, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ATM से कैश निकालना टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है, क्लास में सिखाया हुआ है। कौन सा इसमें से इंप्लाइड कंडीशन नहीं है सोगा में? इंप्लाइड कंडीशन सेल बाई सैंपल, क्वालिटी, फिटनेस, डिस्क्रिप्शन है, सेल बाय डिस्काउंट प्राइस, ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा। ऑक्यूपायर अ वेरी फैक्ट्री, अरे क्रेचेस देते हैं ना, क्रेचेस कहां? जब कम से कम विमेन वर्कर्स एक्सीड 30, जब 30 से ज्यादा विमेन वर्कर है तब क्रेचेस देना कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद सैलरी के अंदर बोनस एक्ट में क्या आता है? सैलरी के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता है, बोनस एक्ट में कमीशन भी नहीं आता, डीए आता है, हाँ डीए आता है, ठीक है, क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर। कम ऑन, थोड़ा फास्ट। अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इन एनी फैक्ट्री इन विच 1200 persons आर एम्प्लॉयड, वेजेस मस्ट बी पेड। बताओ यार वेजेस हम लोग को कब पे करना पड़ता है? बता दो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, बिल्कुल। फिर ईपीएफ 1952 इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट मेंशन इन शेड्यूल 1 एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 20 persons, ठीक है, 20 और मोर persons। फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसआई फंड कितना रहता है बेटा? बता दो फटाफट बता दो, ये है, इसमें अमेंडमेंट है, हाँ तो ये वाला आंसर सारे के सारे ही गलत है, इसमें अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट ऑलरेडी मेरा जो है ईएसआई का डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है। फॉर्मल नोटोरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर, फॉर्मल नोटोरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल और नोट इज कॉल्ड, बताओ भाई इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं, प्रोटेस्ट। पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज, पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं है, बताओ कब पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं रहता? पब्लिक नोटिस का दरकार कब नहीं रहता फटाफट बता दो? रिटायरमेंट, एक्सपेंशन, डिसोल्यूशन में रहता है, एडमिशन में पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं रहता। एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ऑथेंटिकेटेड विद आरओसी विद इन, कितना दिन के अंदर? बताइए जनाब कितना दिन के अंदर? बड़ा सिंपल है, एलएलपी एक्ट में अपने ये सीख रखे हैं कि एलएलपी जो है कितना दिन में रिटर्न फाइल करता है? 60 days के अंदर। बोलो भाई बोलो, मैं चैट देख रहा हूँ तुम लोग का, कितना दिन के अंदर? 30 days के 60 days, बताओ। 60 days। बीओडी क्या अपॉइंट कर सकता है एडिशन डायरेक्टर टाइम टू टाइम? हाँ, इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, बड़ा सिंपल था, आर्टिकल्स अगर ऑथराइज करे तो एडिशन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। बिजनेस एथिक्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, यस। इसमें से कौन सा करेक्ट है बिजनेस एथिक्स के बारे में? कि बिजनेस तभी सस्टेन कर सकेगा जब वो सोसाइटी के लिए केयर करेगा। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, अभी तो बताए थे, शुड टेक डिसीजन ओनली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रख करके आपको डिसीजन लेना है। This principle of public life is called selflessness. Public interest मतलब selflessness. Merit के ऊपर decision लेना है, merit के ऊपर decision लेना है, वो selflessness नहीं था, वो objectivity था, है ना? और public interest के हिसाब से decision लेना, अपना interest नहीं देखना है, selflessness है।
resolve the ethical conflict. To resolve the ethical conflict, falling should not be considered. Relevant facts consider karte hain. Alternative course of action. Ethical issues involved. Ethical dilemma kaise solve karte hain? Relevant facts, alternative course of action and ethical. Arms length beech mein kahan se kuch tha diya to odd one out hai. इसमें से कौन सा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? Which one of the following is not a quasi contract? Necessary supply to minor lunatic, बिल्कुल कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. Reimbursement of persons paying money by another in which is interested, बिल्कुल कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. Responsibility of finder of goods, बिल्कुल कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. Uncertainty and future, ये कोई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. Uncertainty वगैरह ये तो wagering में आ जाता है. Which of the following is the subject matter of the contract? Contract का इसमें से कौन सा subject matter रहता है बताओ? Existing of future goods, goods perishing before making contract, goods perishing before sale, but after agreement to sale. बता दो, सभी कुछ है यार, सारे के सारे subject matter है. इसमें से कौन सा negotiable instrument नहीं होता? Share certificate negotiable instrument नहीं होता, क्योंकि वो title deed है, उसमें नाम लिखा हुआ है. इसमें से कौन सा bill of exchange होता है? बता दो भाई, इसमें से कौन सा bill of exchange होता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों. Bankers draft, demand draft, सभी. दो तो सही है, तो all of the above ही होगा. कौन active part लेता है? वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्ट लेता है. वर्किंग पार्टनर. न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर जब यूनानिमस डिसीजन हो, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहिएगा. ठीक है, बड़ा सिंपल था बेटा. शेल्टर रूम्स विद सुटेबल लंच रूम्स आर टू बी प्रोवाइडेड इफ मोर देन डैश वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. यार रट्टा मारने का यार, 150 से ज्यादा वर्कर हो तो. ग्रेच्युटी इज पेबल टू एम्प्लॉय. रिटायरमेंट, सुपर एनवेशन, रिट्रेंचमेंट, सभी केस में, ऑल ऑफ द अबव केस. पेंशन स्कीम में कितना हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? 8.3%. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं होता. ओनर ऑक्यूपायर उन लोग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है. टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बोनस. बताओ भाई टाइम लिमिट क्या है? 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर है ना, और अगर सीरीज परमिशन ले ले तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग. रिव्यू मिनिमम वेजेस कितना साल में करता है? 5 साल. अब सब रिपीट क्वेश्चन आ रहा है. जहां 1000 से कम पर्सन एम्प्लॉयड रहते हैं वहां पर आपको वेजेस कितना दिन में देना पड़ता है? 7th डे. और उससे ज्यादा रहते हैं तो 10th डे. लेकिन 1000 से कम है तो 7th, और उससे ज्यादा तो 10th डे. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितना दिन में इशू होता है? लिस्टेड की अनलिस्टेड पहले वो देखना पड़ेगा. अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी में 3 महीने में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं. ठीक है ना, 3 months इज द करेक्ट आंसर. इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा? तुम मेरा पर्स ढूंढ के लाओ, मैं 1000 रुपए दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है? कोई कंसिडरेशन नहीं, मैं तुम्हें ऐसी 10,000 दे दूंगा, ये कोई थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ऑप्शन नंबर बी. इसमें से अनपेड सेलर का राइट कौन सा है? राइट ऑफ अनपेड सेलर लियन होता है, बिल्कुल होता है बेटा. राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ रीसेल भी होता है. इनकेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपेज, ऑल ऑफ द अबव. अनपेड सेलर का सारा ही राइट. HIDC मीन्स एनी पर्सन हु ड्रॉज द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर या नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम इट इज डायरेक्टेड टू बी पेड. कि नन ऑफ द अबव. बड़ा सिंपल है यार, ये तो बड़ा ही सिंपल है. बता दो भाई यहाँ पर HIDC कौन होता है? फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन जिसको बिल मिला है. ठीक है ना, यस सर. बड़ा सिंपल है सर. चलो अब वेरी फास्ट एकदम. चार्ज के बारे में आपको कब बताना पड़ता है? इंटीमेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेंज. अच्छा, फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो आपको इसको आरओसी के बारे में, आरओसी को रिपोर्ट करना पड़ता है. कितना दिन? कोई टाइम लिमिट नहीं है. रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है. फर्म शैल नॉट कंटेन, फर्म का नाम में किंग, क्वीन, अंपायर ये सब नहीं रह सकता. ऑल ऑफ द अबव. फीस पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP. LLP को रजिस्टर करने के लिए आपको इतना रुपया देना पड़ता है, रट्टा मारने का है. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है? वो फैक्ट्री में घुस सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, सीज कर सकता है, सभी कुछ पावर है. जबरदस्त यार, जबरदस्त. जिंदा हो जनाब. यहां से बहुत सारा रिपीट हो जाता है, मैं बता रहा हूं, बहुत सारा रिपीट होगा तुम्हारे एग्जाम में. प्रथम सभी कुछ पढ़ करके जा बेशरम बे आया.
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर कर से दबा देना, नहीं तो मिस हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं, यही तो मैं चाहता हूँ। चलो अलका चप, लेट अस हिट इट। द ग्रेच्युटी पेबल टू एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी पेबल टू एम्प्लॉय shall not exceed, बताओ भाई, gratuity payable to employee shall not exceed 20 months pay. Withdrawal from PF may be allowed for, बताओ भाई, withdrawal for from PF may be allowed for, तुमको PF से withdraw करने मिल जाता है क्या चीज के लिए? Illness in certain cases, institute इसका answer सीधे रखा लेकिन डी होगा, ठीक है। Employee said, ESI corporation is a body corporate, who is not eligible to get bonus. इसमें से किसको बोनस नहीं मिलेगा? डिसमिस, निकाल दिए तो बोनस नहीं देते, सेक्शन 9 में सीख रखे हो बोनस एक्ट का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सभी के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर सकता है, चाहे टाइम वर्कर हो, चाहे पीस वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है बेटा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस, अगर आपका वेज डज नॉट एक्सीड 18,000 रुपये पर मंथ, वेजेस एक्ट में सीख रखे हैं। कोरम फॉर पब्लिक कंपनी, जिसमें अप टू 5,000 मेंबर है, अप टू 5,000 मेंबर में कोरम कितना रहेगा? 15 कि 5 कि 30? बोलो 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 फटाफट बोलो। अप टू 1,000 में 5 है, 1,000 से ज्यादा 5,000 तक तो 15, 5,000 से ज्यादा है तो 30, या मोर देन 5,000 बोला तो 30, 5,000 से ज्यादा बोला ना तो 30। इनके तो अर्जेंट मीटिंग, अरे अर्जेंट मीटिंग में कंपनी को नोटिस देना पड़ता है 3 डेज का। Ethics is a set of dash standard of human conduct, ठीक है। Ethics is a, बताओ क्या, standard of human conduct, बिल्कुल, principles of human conduct, बिल्कुल। तो principle और standard दोनों option दिया तो उसको टिक करो ना। Society for Business Ethics was started in 1980. Payment of bonus act 1965 extends to whole of India, except जम्मू कश्मीर भर चुका है, extends to whole of India होगा। Gratuity का ceiling limit कितना है? बताओ भाई, बताओ, maximum होगा ये, maximum gratuity का ceiling limit है 20 लाख। पहले 10 लाख था, अमेंडमेंट के बाद 20 लाख है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इंस्टीट्यूट के आंसर्स में बहुत सारे गलत है, मैं सब सही करवाते जा रहा हूं तुमको। ऐश करो बेटा, ऐश करो। 10 लाख दिया आंसर, लेकिन अब अमेंड होकर के 20 लाख हो चुका है, बताया ना? यस सर। ईएसआई एक्ट बेनिफिट कब देता है? सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इंजुरी सभी में देता है बेटा ईएसआई एक्ट। तो ईएसआई एक्ट तो ये सभी में बेनिफिट देता है। यस सर। मंथली रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो फॉर्म नंबर 6 में इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप जमा करते हैं मंथली रिटर्न कमिश्नर के पास, कितना दिन में जमा करते हैं? 25 दिन में जमा करते हैं। रटने का क्वेश्चन है, नॉट इनवाइटेड। डैश इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा चेक है, कोई पूछने का बात है? मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल पब्लिक कंपनी का कितना रहता है? नन ऑफ द अबव, जीरो रहता है। इंस्टीट्यूट 5 लाख बोल रहा है लेकिन जीरो होगा। इफ एन एग्रीमेंट आप ऑब्टेन कर रहे हैं बाय डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, तुम जबरसी डरा धमका करके उसका हाँ मांग रहे हो, इंडियन पिनल कोड में जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्शन बोलते हैं, कोर्शन। हुंडी इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज है, रिटन इन वर्नैक्युलर ओरिएंटल लैंग्वेज, पढ़ाया हुआ तुमको नहीं याद है ना? यस सर। थोड़ा फास्ट। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, यू कैन ऑब्लाइज अ पार्टी टू हैव बीन्स। This statement applies to implied condition as to description of goods. Implied condition as to fitness. If you contract to sell peas, you cannot oblige a party to have beans. तुम बोल रहे हैं कि हम पी बेचेंगे, तो तुम बीन्स थोड़ी ना बेच देगा, मतलब sale by description हुआ ना ये? Clear है sir? Who is an adolescent? Adolescent इसमें से कौन होता है बताओ?
इसमें से बेटा एडोलेसेंट कौन है मेरे को फटाफट बता दो, इसमें से एडोलेसेंट कौन है जो 15 साल का नहीं हुआ है कि जो 18 साल का नहीं हुआ है? जो 15 का हो गया और 18 का नहीं हुआ है वो एडोलेसेंट है, जो 15 का हो गया और 18 का नहीं हुआ। थोड़ा फास्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट एनआई, इसमें से एनआई कौन नहीं होता? शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता। पब्लिक नोटिस अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज गिवन, सर पब्लिक नोटिस मतलब आरओसी को देना, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देना, गैजेट में छापना या वर्नैक्युलर लैंग्वेज में छापना, ऑल ऑफ द अबव। पर्सन मे नॉट बिकम एजेंट, एजेंट नहीं बन सकता वो, पर्सन मे नॉट बिकम एन एजेंट इफ इज ऑफ द एज ऑफ मैच्योरिटी अनसाउंड माइंड आइदर ऑफ द अबव, नहीं एजेंट कोई भी बन सकता है, नन ऑफ द अबव होगा। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल, गुड्स पेपर प्रॉपर्टी सब कुछ एजेंट रिटेन कर सकता है। सेक्शन 122 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है भाई कि ओपीसी के ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? ओपीसी के ऊपर 100, 101, 105 कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है यार, कंपनीज एक्ट का सिंपल सा क्वेश्चन था। इन अ कंपनी इन विच आइदर ऑफ द गवर्नमेंट हैज नो पेड अप शेयर कैपिटल, उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के लिस्टेड कि नॉन लिस्टेड बताओ? जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर कैपिटल नहीं है उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे यार। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? कंपनी शैल मेंटेन रिजर्व द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट जब तक कंपनी जिंदा है, डिसॉल्यूशन तक रख के रखेगा। डैश आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, अवॉइड अनफेयर, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय को भी अवॉइड करो, सभी कुछ है। दो सही होते ही तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है ना, क्लियर? यस सर। In case of contractual obligation where the promisor dies, contract में promisor पहले ही मर गया before the performance, उसका legal representative perform करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा यार, legal representative बिल्कुल। Promisor dies before the performance, legal representative of the promisor must perform the promise, yes ये सही है। Anticipatory repudiation ठीक है, 179 का ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखना, इंस्टीट्यूट डी बोला लेकिन नहीं होगा। एंटीसिपेटरी रिपुटेशन एज इफेक्ट ऑफ, एंटीसिपेटरी ब्रीच का क्या इफेक्ट होता है? पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यस पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन नंबर बी। प्रिटेंडेड बिडिंग में सेल वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ बायर, बड़ा सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है मेरे बच्चों को। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट वेज स्लिप शैल बी इशूड बाई एवरी एम्प्लॉयर, हाँ वन डे प्रायर टू द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस आपको वेज स्लिप देना पड़ता है। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट, है ना, एप्लीकेशन में नहीं सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखते हैं। सेक्शन 88 डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, बड़ा सिंपल है, सेक्शन 88 डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर। ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है कब कर सकता है? डेट ड्यू टू एलएलपी, गारंटी गिवन बाय एलएलपी, हाँ सारा ही लायबिलिटी में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। Every member of a company listed by share and holding equity share capital shall have a right to vote on every resolution. Shall have a right to vote. Are a member ke paas right to vote on every resolution. Professional promotes position or opinion ki uska objectivity compromise ho raha hai. Advocacy threat bolte hain isko, advocacy threat. Audit ka question hai lekin law mein de diya gaya. The dash of the company shall contain regulation for management of the company. Articles mein likha hua rehta hai na. It contains a regulation for the management of the company. Clear hai beta? So far so good, बता दीजिए जनाब, so far so good, yes sir. Supervisory board under German model, syllabus में नहीं है, फिर भी इसका option number ये है, अगर by chance ये आ गया तो याद रखना option number ये है। German board में जो supervisory board रहता है उसको हम लोग बोलते हैं office trust. Audit committee जो है ना, audit committee किसके साथ interact करता है बताओ? Audit committee को interact किसके साथ करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ। थोड़ा फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा। पार्टनर में कंट्रीब्यूट टू एलएलपी, पार्टनर प्रॉपर्टी ला सकता है, मोबाइल प्रॉपर्टी ला सकता है, मनी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है भाई पार्टनर तो। ग्रेच्युटी पेबल टू एम्प्लॉय, अगर वो इफ ही हैज रेंडर्ड कंटीन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 इयर्स ऑन हिज रेजिग्नेशन, ठीक है, रिजाइन करेगा तो ग्रेच्युटी देगा ना, अगर 5 साल काम किया तो। इसमें से कौन एम्प्लॉय नहीं माना जाता? पार्टनर एम्प्लॉय नहीं माना जाता, बाद बाकी सारे एम्प्लॉय माने जाते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। थोड़ा फास्ट गाइस, कम ऑन। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट भाई बता, एनपीएस, इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट मतलब एनपीएस, क्लियर है?
क्लियर है सर? इसमें से कौन सा कंपनी नहीं होता? डॉर्मेंट होता है, प्रोड्यूसर होता है, इनएक्टिव होता है, असिस्टेंट कंपनी बोल करके कभी नहीं सुना। सेक्शन 92 क्या है? एनुअल रिटर्न है, एमजीटी 7। मेन फीचर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पीड में होता है ना, तो मेन फीचर स्पीड है। Which of the following is not an unpaid seller right against the goods? Goods के ऊपर इसमें से क्या right नहीं है? Damages, damages तो buyer से मांग सकते हो ना। Goods के ऊपर retention है, stoppage in transit, resale है, C नहीं है। Endorser बोलता है हम कोई खर्चा वर्चा नहीं करेंगे, तो endorser is not liable for any expenses on the bill, तो इसको sense price endorsement बोलते हैं। अरे अरे एक में पढ़ रखे हो। ये हो गया हमारा double century दोस्तों। दोस्तों ये हमारा डबल सेंचुरी कंप्लीट हो गया। बताइए जनाब कैसा लग रहा है, फटाफट बताइए कैसा लग रहा है। डबल सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है दोस्त। उसके बाद ऑलमोस्ट सब रिपीटेशन है, ठीक है। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना ये सब सेशंस कैसा लग रहा है। इतना तो कर ही सकते हो यार, एक कमेंट करने में जो है तुम्हारा कोई टाइम नहीं जाएगा यार, 5 सेकंड लगेगा, मेरे को तुम्हारा फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए रहता भाई, टू गेट आवरसेल्फ्स गोइंग। तो प्लीज कमेंट करना, दिन रात एक करके तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं हम लोग। सारा मिशन हो गया, एमटीपीज हो गया, एमसीक्यू सेशन सारे सब्जेक्ट का हो रहा है, बाद बाकी सब्जेक्ट का एमसीक्यू सेशन सीएम एक्सक्लूसिव चैनल पर आएगा, उसको पक्का से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। और आ रहा है कंपनी लॉ का मैराथन, ऑलरेडी आ चुका। इंडस्ट्रियल लॉ का मैराथन वेडनेसडे आ रहा है एंड एथिक्स के साथ। कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करो। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर। 200 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया भाई। चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लॉट्स ऑफ लव, यू गाइस आर श्योरली गोइंग टू पास, पक्का।